बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुबशर सदीक आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम मज़ेदार सा सिरके वाला प्याज बनाएंगे। खाने के साथ इसे सर्व किया जाता है, बहुत ही मज़े का होता है और खाने का मज़ा जो है वो दुबाला कर देता है। एक बार अगर आपने खा लिया तो इंशाल्लाह आप इसके आदि हो जाएंगे। तो आइए देखते हैं ये मज़ेदार सा सिरके वाला प्याज बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और ये कैसे बनाया जाता है। हमने यहाँ से ताज़ा प्याज जो है वो ले लिया और प्याज जो है वो छोटे साइज़ का होना चाहिए। अगर आप, ये ज़रूरी नहीं है कि ये हरे वाला प्याज हो, ताज़ा प्याज हो, आप मार्केट में जो प्याज मिलता है वो ले सकते हैं। और प्याज जो है वो बस छोटा छोटा होना चाहिए इस साइज़ का। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने पत्ते जो हैं वो हटा दिए हैं और छील लिए हैं प्याज। और अचार जो है वो सबको पसंद है, यहाँ से काट लेंगे। ये जड़ वाली जो साइड है इधर से नहीं काटना, दूसरी तरफ से कट लगाना है और यहाँ पे आके रोक लेना है, पूरा नहीं काटना है। तो इसी तरह ये कर लेंगे और जार में डाल देंगे। अचार बनाना आमतौर पे मुश्किल समझा जाता है। बहुत सारी अचार की रेसिपी जो है वो आसान आसान अपलोड की हुई हैं, लेकिन ये वाला अचार जो है ये सबसे आसान है। इसे आप प्याज वाला अचार भी कह सकते हैं और सिरके वाला प्याज भी कह सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे थोड़ी सी जो है वो चुकंदर डालेंगे, ये रंग के लिए है। अगर आप ना भी डालें तो कोई मसला नहीं है। तो ये तकरीबन 2 से 3 इंच का टुकड़ा है। सब्ज़ मिर्च इसमें डालेंगे, दरमियान में से काट लेंगे, दो हिस्सों में कर लेंगे। ये भी आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं, 5 से 6 सब्ज़ मिर्चें जो है वो डाल लें। ये तकरीबन आधा किलो प्याज होगा हमारा उसमें। सब्ज़ मिर्च डालने से इस अचार का जो टेस्ट है वो और भी बढ़ जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जार जो है वो प्याज से भर गया है। अब हम इसमें हसबे जायका जो है वो नमक डालेंगे। नमक ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अब हम इसमें सिरका डालेंगे। सिरके में प्याज जो है वो डूब जाना चाहिए। आप इसे हर खाने के साथ सर्व करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देखें कितनी आसानी से और कितनी जल्दी जो है सिरके वाला प्याज यानी के प्याज वाला अचार जो है वो तैयार हो गया। ये सबसे आसान अचार है और आपने सबको घर में और मेहमानों को भी ये एक बार ज़रूर खाने के साथ देना है। इंशाल्लाह आपसे सभी इसकी रेसिपी पूछेंगे। इस जार को आपने फ्रिज में रख देना है और 2 से 3 महीने तक इस अचार को आप खा सकते हैं, सिरके वाले प्याज को आप खा सकते हैं, ये ख़राब नहीं होगा। और जब प्याज और सब्ज़ मिर्च इसकी ख़त्म हो जाए, इसी सिरके में आपने और प्याज और सब्ज़ मिर्च डाल लेनी है, तो फिर से आपका सिरके वाला प्याज जो है वो तैयार हो जाएगा। अल्लाह ताला आप सबको दुनिया और आखिरत की तमाम खुशियाँ नसीब फरमाए। अल्लाह ताला आप सब पर अपना करम फरमाए, फ़जल फरमाए। अल्लाह ताला आप सबको अपनी रहमतों के साए में रखे। बहुत सारी दुआओं के साथ मुबशर सदीक को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।